हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एच टेक यू। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्पॉटिफाई का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ। कॉर्नर पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने नीचे स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ आपको स्पॉट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने सिंपली सर्च करना है क्लोज अकाउंट। यहाँ हम सर्च करते हैं क्लोज अकाउंट। क्लोज़ अकाउंट सर्च करने के बाद हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ हम अपने क्लोज़ योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लोज़ योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको गोट प्रीमियम और नीचे डोंट है प्रीमियम का ऑप्शन नज़र आएगा। हमारा अकाउंट प्रीमियम नहीं है, इसलिए हम डोंट है प्रीमियम पर क्लोज़ योर अकाउंट करेंगे। यहाँ हम क्लोज़ योर अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे ये ओपन योर अकाउंट का भी ऑप्शन है, यहाँ आप 7 दिन के अंदर यानी कि आप अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस 7 दिन के अंदर आप इसको रीओपन करके इस डिलीशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अदरवाइज 7 दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। यहाँ हम सिंपली क्लोज योर अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आपने ईमेल और पासवर्ड लगाकर अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन कर लेना है। यहाँ हम अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आपने क्लोज अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लोज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आपने नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आपने अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक कर देना है। दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ हमारी मेल पर यानी कि जो हमारी ईमेल है उस पर एक मेल आएगी, उस मेल पर हम क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर मेल नहीं आती तो आपने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ईमेल पर मेल आई है या नहीं, लिहाजा हम उस मेल को चेक करते हैं और मेल आ चुकी है, तो लिहाजा यहाँ हम क्लोज माई अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज़ माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑल डन हो चुका है, यानी कि अकाउंट क्लोज हो चुका है। यहाँ अगर आप 7 दिन के अंदर आपका माइंड चेंज होता है कि आप डिलीशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक कर डिलीशन कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ईमेल पर दोबारा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा और 14 दिन के बाद ही आप इस मेल पर दोबारा अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सी एच टेक यू ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।